हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कवर क्रॉप से या जिसको ग्रीन मैन्योरिंग भी कहते हैं उसके थ्रू आप अपने फार्म की सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं या उर्वरक शक्ति बढ़ा सकते हैं अपने ज़मीन की। और इसमें बिल्कुल भी लागत नहीं आती है, बहुत कम लागत है और ज़्यादा आपको एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि कवर क्रॉप्स या ग्रीन मैन्योरिंग होती क्या है। कवर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो मेन क्रॉप के लगने से पहले आप अपने खेत में लगा देते हैं। जब आपको लगता है कि आपके खेत 30-40 दिन तक खाली रहेंगे, पहली फसल कटी है, दूसरी फसल कटने में अभी टाइम है, अगर आपके पास वो 30-40 दिन होते हैं तो आप कुछ ऐसे पौधे लगा देते हैं जो आपके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, बहुत जल्दी उग जाते हैं और नई क्रॉप के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल को दे देते हैं। तो जैसा आप ये देख रहे हैं कि इस खेत में मैंने कुछ ये हरे पौधे बो रखे हैं। एक ये खेत है और एक देखिए आप ये खेत है। इन दोनों खेत में ये हरे पौधे, इनका नाम है ढेंचा। ये लेग्यूमिनस वैरायटी का पौधा है, जिसका मतलब है कि ये इनकी जो जड़ें हैं उनका एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसके कारण वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन सॉरी एटमॉस्फेयर में है उसको इनकी जड़ों में फिक्स कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक ये पौधा उखाड़ के दिखाऊं, ये देखिए, अब ये देखिए इसकी जो जड़ है, जड़ में ये इसकी जो रूट्स हैं, इसकी रूट्स में ये नोजल्स हैं, ये बबल्स हैं, इनमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 40-50 दिन के हो जाते हैं, तो हम इनको यहीं इसी खेत में मल्च कर देते हैं, इसी खेत में ट्रैक्टर हैरो के साथ इसको यहीं जोत देते हैं। एंड जो नई फसल होती है उसको कुछ दिन बाद जब ये सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसको बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि उसको जितनी भी नाइट्रोजन चाहिए और जितना भी कार्बन चाहिए, क्योंकि देखिए आप इसका बायोमास बहुत होता है, ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, अभी ये 25 दिन के हैं, ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तो जब ये इस फील्ड में वापस जाएंगे तो इनका ये सारा बायोमास जब गलेगा, सड़ेगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो एक कार्बन बनेगा, जिसकी वजह से जितनी भी आपको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो नए फसल को, वो मिलेगा। तो ये तो ढेंचा है। इसके अलावा अगर आप ढेंचा आपको नहीं मिलता है तो आप मूंग लगा सकते हैं, आप सनई लगा सकते हैं, आप ग्वार लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं और आप मिक्स भी कर सकते हैं, इनके सबके बीज आपस में मिक्स करके। ये करीब 3 किलो पर बीघा का लगता है इसका बीज ढेंचे का, और करीब 40-50 दिन में ये 4-5 फुट का हो जाता है, उसके बाद आप इसको जुतवा सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई भी आपका खेत खाली हो उसे खाली ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन का नुकसान होता है, और अगर आप ये करते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। नंबर वन, जैसा कि मैंने बताया, ये आपके खेत का कार्बन बढ़ा देगा। नंबर टू, ये आपके खेत को बहुत सारी नाइट्रोजन देके जाएगा। नंबर थ्री, ये जितने भी खरपतवार होंगे, वीड्स होंगे, उसको कंट्रोल करेगा। जैसे आप देख सकते हैं इस खेत में मिनिमम खरपतवार है। नंबर फोर, ये जितने भी आपके फ्रेंडली इंसेक्ट होते हैं, जिनको मित्र कीट भी बोला जाता है, उनको अट्रैक्ट करता है ये। और नंबर फाइव, ये सॉयल को क्या इरोजन को बचाता है, क्योंकि सॉयल ढकी हुई है इस समय, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट इसमें बारिश नहीं पड़ेगी, तो ये सॉयल की संरचना, मृदा की संरचना को बना के रखता है। तो भाइयों, मेरा ये सुझाव है कि जब भी आपको अपना कोई भी खेत खाली हो और नए फसल में टाइम हो तो आप कवर क्रॉप्स जरूर लगाएं या हरी खाद जरूर लगाएं, और अपने जो नेक्स्ट जो क्रॉप है उसको इतना खाना दें कि वो आपको बम्पर प्रोडक्शन दे। इस वीडियो और इस सब्जेक्ट पे अगर किसी को कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, व्यूअर हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।